फ्रेंड्स, वेलकम टू शक्कर ट्रेडर्स। गाइज, चुनाव का रिजल्ट सामने है और मंडे से ऑलरेडी एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन पे ट्रेडर्स, हम लोग, आप लोग क्या करेंगे? आप ही का शक्कर ट्रेडर्स है और शक्कर ट्रेडर्स में हम पूरा चीज़ को समझेंगे आज के वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा, जिन लोग मंडे का कुछ रणनीति बना रहे हैं, ट्यूजडे का कुछ रणनीति बना रहे हैं, आज का वीडियो का जो खास बात होगा वो क्या होगा? वो होगा दोस्त, जो FIs का हम सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देख रहे हैं, वाकई उन लोग सेलिंग कर रहे हैं क्या, कि उसका अंदर कुछ और बात है? तो चलिए थोड़ा सा चार्ट को समझेंगे और थोड़ा सा FIs DIIs का भी बात करेंगे। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेडिंग सेशन से, 5 ट्रेडिंग सेशन से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है ना? यही नॉर्मली हम यही देख रहे हैं कि 5 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। रेड कैंडल मीन्स सेलिंग प्रेशर है। तो इस सेलिंग प्रेशर के ऊपर कहाँ पे हमें एंट्री लेना चाहिए? देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही ईजी और सिंपली चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। आप इस कैंडल पे जाइए और हाइकनिश कैंडल कर दीजिए। इसमें क्या होता है, हाइकनिश कैंडल का जो डिप वीडियो है मैं कभी बना दूंगा आपके लिए। तो कभी भी मार्केट डाउन आता है ना या अप जाता है, इसका पीछे एक सिंपली सी लॉजिक देखेंगे आप, कि जब हाइकनिश कैंडल ग्रीन बनाना शुरू होता है तो कंटिन्यू मार्केट के अंदर एक रन अप आता है। तो अभी तक हाइकनिश कैंडल क्या है, ये रेड सिनेरियो अभी बना रखा है, ओके। बट इसके अंदर दूसरा जो चीज़ है वो क्या है कि नॉर्मली कैंडल करेंगे और हाइकनिश कैंडल करेंगे तो इसका जो रिटर्नेबल है, रिटर्न का जगह है, रिटर्न का पोजीशन है, वो अभी तक बनाया नहीं इन्होंने, ओके। मतलब हाइकनिश कैंडल नहीं बनाया, बट यहाँ पे एक सपोर्टिंग का काम करता है। और देखो, हाइकनिश कैंडल घूमता है 1-2 दिन ग्रीन कैंडल बनने के बाद, 1-2 दिन ग्रीन कैंडल बनने के बाद ही हाइकनिश कैंडल से हमारा नॉर्मल कैंडल में, मतलब हाइकनिश कैंडल ग्रीन होता है, ओके। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल कैंडल करूँगा तो इस नॉर्मल कैंडल पे आते हैं हम, लास्ट डे में देखें कुछ हद तक सेलिंग प्रेशर जिस रफ्तार से इंक्रीज हो रहा था, ये कुछ हद तक अभी स्टॉप हुआ है। रीज़न क्या है? रीज़न है जो हमारा टेक्निकली सपोर्ट है, तो इस जगह पे टेक्निकली सपोर्ट आ रहा है मार्केट का, ओके। तो बहुत पिक्चर क्लियर होगा कि मंडे के दिन एग्जिट पोल का हिसाब किस तरीके से आ रहा है, उसके ऊपर मार्केट और ज़्यादा वोलेटाइल होगा, उसके ऊपर मार्केट और ज़्यादा वोलेटाइल होगा। ज़्यादा देखिए, इंडिया फिक्स कहाँ पे पहुँचा है अभी, तो इंडिया फिक्स 24 के ऊपर, ठीक है, 24 के ऊपर, और ये बता रहा है कि मंडे के दिन फिर से इंडिया फिक्स भागेगा। तो इंडिया फिक्स भागेगा मतलब इंडिया फिक्स से क्या होता है, तो दोस्त इंडिया फिक्स से मार्केट का वोलेटिलिटी को नाप सकते हैं हम। तो इंडिया फिक्स जितना हाई होगा मार्केट वोलेटाइल उतनी ज़्यादा होगा, क्लियर। तो इंडिया फिक्स आप देख पा रहे हो किस जगह पे है इंडिया फिक्स, ओके। तो अब देखते हैं निफ्टी के अंदर फिर मंडे को किस तरीके से ट्रेड करेंगे हम। चलिए, निफ्टी चार्ट में अगेन मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे ये सीनरीज है। तो पहला चीज़ है कि जब तक ना पिछले दिन का इस रेड कैंडल का हाई एंड लो के बीच में है, तब तक आपको परेशान करेगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है मंडे के दिन आपको इसी के अंदर ही मार्केट बिलोंग कर सकता है। जैसे आप देखो, एग्जिट पोल अगर बताया था बहुत क्लियर कि बहुत ज़्यादा सीटों से जो रनिंग गवर्नमेंट है, यानी कि NDA पार्टी है, वो लीड कर रहे होंगे, तो मार्केट को यहाँ से डेफिनेटली एक ब्रेकआउट दे देगा और उन लोग कुछ कमजोरी दिखाएगा तो फिर मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का तरफ जाएगा। पिछले दिन का रेड कैंडल से नीचे अगर मार्केट गया तो यहाँ से देखिए 22,200 के तरफ एंड 22,000 के तरफ भी मार्केट भाग सकता है। बी केयरफुल, इस जगह पे हमें चुपचाप बैठना है, ठीक है। देखो, आप लोग जो भी अलग अलग रणनीति बना के रखे हैं, उस रणनीति को अभी कुछ ज़्यादा अमाउंट मत लगाइए, चुपचाप बैठिए, ये मेरा सलाह रहेगा, ठीक है। ऐसे मत कीजिए कि मैं कॉल ऑप्शन यूज़ ले लिया, ऐसे मत कीजिए कि मैं पुट ऑप्शन यूज़ ले लिया, मैं नहीं एग्री करता हूँ इस चीज़ को, ओके। आप चुपचाप वेट कीजिए, ट्यूजडे को रिजल्ट आने दीजिए, आने के बाद फुल्ली रिजल्ट आने दीजिए, ओके। वेडनेसडे से आपका फाइनल रणनीति बना लीजिए, ओके, क्लियर। चलो, अब मैं टेक्निकल को समझ लेता हूँ कि टेक्निकली क्या काम करूँगा। तो मैं 15 मिनट का चार्ट में जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे हमारा 2 मूविंग एवरेज आप देख पा रहे हो, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है ये, 15 मिनट का चार्ट है, ओके। जब से ये ब्रेकडाउन हुआ था, देखो मार्केट के अंदर सार फॉल डाउन हुआ था, और इससे ऊपर जितनी बार आ रहा है ना, ये हमारा मैग्नेटिक लाइन है, मैग्नेटिक लाइन से ऊपर स्टेबल नहीं हो रहा है, फिर से एक बार ये
मूवी अभी तक गया, फिर से फॉल हुआ है और इसके ऊपर फिर स्टेबल नहीं हुआ। तो हमें देखना होगा कि अब देखो इससे पहले जब इसे ब्रेकआउट दिया था, कब ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, तो उसके बाद कंटिन्यू मार्केट एक पॉजिटिव साइड में चलता रहा, ठीक है। फिर तो अभी मंडे के सेशन पे फिर से अगर इससे ऊपर आ जाता है मार्केट, तभी यानी कि 22,650 इस जोन से ऊपर जाएगा तभी मैं मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। अब देखते हैं कि FISDIS क्या किया पिछले दिन। तो देखो कंटिन्यू ना, पिछले देख रहा था FIS ने एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बना रहा था, बट फ्राइडे के दिन FIS ने 1,613 करोड़ का बाइंग किया है और DIS ने 2,114 करोड़ का बाइंग किया है। बट अगर इनका लॉन्ग बिल्डअप देखा जाए तो FIS ने जो लॉन्ग बिल्डअप बना रहा है वो कंटिन्यू लॉन्ग बिल्डअप बना रहा है, बट इंटरडे बेसिस पे इनका सेलिंग प्रेशर दिख रहा था हमें पिछले वन वीक का देखोगे तो इंटरडे बेसिस में इनका सेलिंग प्रेशर, बट जो नेक्स्ट मंथ का जून मंथ के लिए इन्होंने लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा इंक्रीज किया है, तो इससे FIS का मानना है कि मार्केट पॉजिटिव जाने का चांसेस ज़्यादा है। ओके, मैं यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं, मैं क्यों कोई भी नहीं कह सकता कि मार्केट 100% क्या होगा, तो फिर उनका घर जमीन जो है पूरा बेच के लगा देंगे स्टॉक मार्केट में। ओके, तो 100% कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, हमें टेक्निकली काम करना है कि हाँ इस लेवल पे ऊपर गया है तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। और एक बड़ी बात, जो आपको बताता हूँ मंडे एंड ट्यूजडे दोनों के दिन के लिए, कि जब मार्केट हाई वोलेटाइल हो जाता है तो क्या होता है, आप स्टॉप लॉस लगाओगे ना, मान लो 100 रुपीज का प्रीमियम में अपने ट्रेड कर रहे हो तो इसका स्टॉप लॉस कितना लगाओगे आप खुद ही बताओ, कमेंट्स में बताना। मेरा मानना है कि आप ज्यादा से ज्यादा 20 पॉइंट के लगाओगे, 30 पॉइंट के लगाओगे, इससे ज्यादा नहीं, बट इस सिनारिस पे आपको 50-50 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस हिट करेगा। अल्टीमेटली आपको 100 रुपीज से अगर 150 तक का टारगेट है ना, वो टारगेट भी जाएगा बट आपको स्टॉप लॉस खा के फिर टारगेट जाएगा। ये कब होता है, जब मार्केट हाई वोलेटाइल होता है। बोलेंगे फिर क्या करेंगे हम, फिर आपको करना ही है कि अगर आपको सही एंड पर्टिकुलर पॉइंट मिल रहा है एज पर प्राइस एक्शन स्मॉल टाइम फ्रेम में स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, अभी आप देख रहे हो जो स्ट्राइक प्राइस कितनी ज़्यादा हाई हो चुका है। अब देखो NSE इंडिया पे जाते हैं हम और ऑप्शन चेन में हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन चेन में प्रीमियम क्या है, मैं इससे थर्सडे के दिन भी बात किया था आप लोगों के साथ कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हुआ है जिसके कारण फ्राइडे के दिन हमें मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम नहीं मिला है, ठीक है। जब प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो एक जगह पे मार्केट को रुका के प्रीमियम को डीके करने का सिलसिला चलता रहता है, तो अभी भी एट द रेट मानी के ऊपर 450 रुपया प्रीमियम चल रहा है, 400 रुपया 450 रुपया प्रीमियम चल रहा है, तो यानी कि ये प्रीमियम ना बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो मैं इसे किस लिए दिखा रहा हूँ कि इतनी बड़ी हाई वॉल्यूम प्रीमियम जो इतनी ज़्यादा महंगा हो चुका है, इसमें आप जो स्टॉप लॉस अगर 10% 20% 30% तक स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो हिट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो मार्केट का सिंपल सी लॉजिक है मंडे के लिए कि 500 से नीचे अगर बिलोंग करेगा तो अगेन एक वीकनेस आ सकता है, ओके, और 650 के ऊपर अगर स्टेबल होगा तो भी मार्केट थोड़ी बहुत पॉजिटिव जाएगा, जो 750 के आसपास तक का हमारा नेक्स्ट एक लेवल मिल रहा है। क्लियर सर? ओके, तो जिन लोग ट्यूजडे के लिए बड़ा बड़ा कुछ रणनीति बना रखे थे, मुझे लगता है कि एज पर सर्कटेरियट्स एज पर कौशिक सरकार का व्यू कि आप बहुत बड़ा सपना या बहुत बड़ा कुछ मत बनाइए, अभी वेट कीजिए ट्यूजडे तक, उसके बाद ही कुछ रणनीति बनाइए। गाइस सिंपल सी सेटअप के ऊपर आपको मंडे का सिचुएशन समझने का कोशिश किया और FISDIS ने क्या क्या है ये बताने का कोशिश किया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करने का कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।